बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस हमने पढ़नी हैं, जीरोग्राफी एंड इंजेक्ट प्रिंटर। सबसे पहले जीरोग्राफी को देखते हैं। जीरोग्राफी को हम फोटोकॉपियर भी कहते हैं। जीरोग्राफी क्या है? द वर्ड जीरोग्राफी इज डिड्यूस्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जीरोज एंड ग्रेफोज व्हिच मींस ड्राई राइटिंग। जो ज़ीरोग्राफी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ज़ीरोज एंड ग्रेफोज। ज़ीरोज का मतलब होता है ड्राई और ग्रेफोज का मतलब होता है राइटिंग। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। ये जो कॉपी करने का प्रोसेस है हम इसको क्या कहते हैं? ज़ीरोग्राफी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मशीन विच इज़ यूज टू कॉपीड अ डॉक्यूमेंट इन अ पेपर फॉर्म। ये वो मशीन है जो क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स को पेपर की फॉर्म में कॉपी करके देती है। तो इस मशीन को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोग्राफी कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे काम करती है। सेकंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्प्रेड आउट ऑन द ड्रम ऑफ एल्यूमिनियम कोटेड विद सेलेनियम फोटोकंडक्टर। क्या है कि जो ड्रम है, देखिए सपोज करें ये क्या है कि ड्रम है, ठीक है। अब ये ड्रम किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं किसकी? सेलेनियम की, ठीक है। इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है किसकी? सेलेनियम की। नेक्स्ट इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि फोटोकंडक्टर क्या होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है ग्लास स्क्रीन ऑन विच पेपर इज प्लेस टू बी कॉपीड। एक ग्लास स्क्रीन होती है, उसके ऊपर हम वो इमेज रखते हैं जिसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। सेकंड क्या है कि लेंस, अ लेंस विच फोर्स द लाइट। लेंस लगा होता है, लेंस फोर्स द लाइट का मतलब है कि लेंस फोर्स करवाता है, फोकस कराता है लाइट को। या यूं कह लें कि लेंस जो इमेज है उसको जो कंट्रोल करता है कि इमेज हमने बड़ा करना है, छोटा करना है, स्मॉल या लार्ज करना है, तो वो डिसाइड करेगा। वो हम किसके ज़रिए, लेंस के ज़रिए कर सकते हैं। लैम्प क्या है? लैम्प के अंदर से वो लाइट आ रही है जो कि इंफॉर्मेशन गेन करेगी किसी भी पेज से। अ टोनर कार्ट्रिज क्या है कि टोनर कार्ट्रिज बेसिकली इंक है जिसको हमने कौन सा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है। एन एल्यूमिनियम सिलेंडर विद अ सेलेनियम, एल्यूमिनियम का सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने कोटिंग की है किसकी, सेलेनियम की। लास्ट पे आता है कि हीटिंग रोलर्स डिफ्यूजर्स टू डे द इंक। हीटिंग रोलर्स का काम है वो जो इमेज हमने कॉपी किया है उसको परमानेंट बनाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था इसका, इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसको देख लेते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा इस बात को समझें कि अब यहाँ पे जो ड्रम है वो किसका बना हुआ है, वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्युमिनियम बेसिकली मेटल जो होते हैं, तो मेटल के अंदर जो होते हैं नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस ये जो रेड कलर का बनाया हुआ है, ये मैंने ड्रम बनाया है जो किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। उसके ऊपर जो ब्लैक पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है वो बेसिकली कोटिंग की है किसकी, सेलेनियम की। अब सेलेनियम क्या है, सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज कब क्या एक्ट करेगा, देखें कि जब हमारे पास रीजन डार्क होगा, मतलब कि लाइट फॉल नहीं करेगी, तो ये जो हमारे पास सेलेनियम है ये एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा। जैसे ही लाइट फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, ये एज अ फोटोकंडक्टर, यानी कि फोटोकंडक्टर हम कहते हैं कि देखें जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। मीन्स के ये एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम मेटल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज सेलेनियम के पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये आपने याद रखना है। सेकेंड पॉइंट देखें, सेकेंड बात ये है कि देखें कि जो अब सपोज कर लें ये वो इमेज है जो मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। ये इमेज है जो मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। अब इस इमेज को देखें कि हमारे पास जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसको हम लाइट रीजन बोलते हैं। लाइट रीजन से जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइट रीजन से क्या हो जाएगी, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे सारी की सारी लाइट जो लैंप से आ रही है वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब बाकी चलें पहले रिफ्लेक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब ड्रम पे पहुँचेगी तो ड्रम के ऊपर एल्युमिनियम के नेगेटिव और
सिलीनियम के पॉजिटिव मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद सिर्फ वो वाला रीजन बच जाएगा जहाँ पे कोई भी इमेज लिखा हुआ है। लाइक अब आपके सामने मैंने इस इमेज के ऊपर क्या लिखा है, टी लिखा है, तो टी जिस जगह पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो गई है उस रीजन पे जो ड्रम के ऊपर वाली जगह होगी वो क्या रह जाएगी, वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। इस तरह से ये जो बनाए हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज रह गए। अब वो पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोवाइड क्या करेंगे, टोनर प्रोवाइड करेंगे। टोनर बेसिकली इंक है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। अब ये नेगेटिव चार्ज, इंक का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद ये सारे का सारा इमेज हम क्या करेंगे, ये सारे का सारा इमेज इस यहाँ से पेज लेंगे, खाली पेज, वो उसके ऊपर पेस्ट कर देगा। उस पेज के ऊपर पेस्ट कर दिया ड्रम ने, ड्रम उसके ऊपर पेज के ऊपर पेस्ट होने के बाद जब ये पेज इन हीटिंग रोलर से गुजरेगा, हीटिंग रोलर क्या करेंगे, वो जो इसके ऊपर इस पेज के ऊपर जो इमेज पेस्ट हुआ है उसको क्या कर देगा, परमानेंट कर देगा। परमानेंट करने के बाद यहाँ पे हमें एक परमानेंट कॉपी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, इसको हम डिटेल्स दोबारा से देखते हैं। ये देखें, ये क्या है, लैम्प। लैम्प से लाइट जाएगी इस किसके ऊपर, पेज के ऊपर। इस पेज से जो भी इंफॉर्मेशन है वो गेन करेगी, गेन करने के बाद इस लेंस से पास करेगी। लेंस से जब पास होगी तो वो लेंस क्या करेगा, इमेज को स्मॉल रखना है लार्ज रखना है ये डिसाइड करेगा। करने के बाद जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आ जाएगी, इस ड्रम के ऊपर जाएगी, तो सेम वही प्रोसेस होगा जो मैंने आपको बताया है। पहले एलुमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज हैं और सिलीनियम के पॉजिटिव चार्ज, वो एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रलाइज करेंगे। जो बाकी का पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा उस पर हम टोनर क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। स्प्रिंकल करने के बाद टोनर का नेगेटिव किससे मिलेगा, टोनर का नेगेटिव वो पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा। मिलने के बाद वो क्या करेगा, वो सारे का सारा इमेज उस पेज पे आ जाएगा। उस पेज पे आने के बाद जब वो हीटिंग रोलर से गुजरेंगे तो वो उसको क्या बना देंगे, परमानेंट बना देंगे। और यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगा वो एक कॉपी हुआ हुआ इमेज होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। इस तरह की मशीन होती है जो कि जिसको हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इट इज़ द डिवाइस यूज टू प्रिंट द डिजिटल कलर इमेज ऑन पेपर। ये क्या करता है, हमें कलरफुल इमेज प्रोवाइड करता है, तो उसको हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। जो ज़ीरोग्राफी है वो हमें ब्लैक एंड वाइट प्रोवाइड करता है, ये हमें कलर इमेज प्रोवाइड करता है। प्रिंसिपल क्या है, एन इंकजेट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है अपने ऑपरेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कैसे। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, इंक सप्लाई, इंक प्रोवाइड की जाती है। पंप होता है, पंप क्या करता है, पंप इंक को नोज़ल तक पहुँचाता है। नोज़ल का क्या काम है, नोज़ल फ्रॉम द टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक, वो जो नोज़ल है वो इंक को छोटे छोटे कतरों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, छोटे छोटे उनके पीस बना देगी। उसके बाद क्या है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड, अब नोज़ल ने वो जो ड्रॉप बनाने हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में, इंक को कहाँ पे पहुँचा देगी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड के पास। चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने क्या करना है, उन चार्जेस को कुछ चार्ज करेंगे, ठीक है। कुछ, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे चार पार्टिकल्स हैं, चार्ज में से हो सकता है वो इन तीन को चार्ज कर दे, ये एक चार्ज ना हो, ठीक है। तो वो क्या कर देगी, वो कहाँ पहुँचा देगी, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के पास। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का आगे क्या काम है वो हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहली बात क्या आ रहा है, इंक आ रही है, पंप आ रहा है, उसके बाद पंप के बाद नोज़ल आ रही है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड आ रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ रही हैं। अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इंक सप्लाई की गई किसको, पंप को। पंप ने इंक ली है और उसको पहुँचा दिया है नोज़ल तक। अब नोज़ल क्या करेगी, उस इंक को ड्रॉप्स के फॉर्म में चार्जिंग इलेक्ट्रोड तक पहुँचा देगी। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड कुछ पार्टिकल्स को चार्ज कर देंगे, कुछ पार्टिकल्स को चार्ज नहीं करेंगे। अब जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होंगे वो उसने ड्रॉप्स भेज दिए किसके पास, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास। अब डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम है, जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, गटर में चले जाएंगे। और जो अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर देंगे, वो यहाँ पे आके इमेज बना देंगे, वो क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर देंगे। और जो इंक गटर में गई है वो दोबारा से क्या आ जाएगी, इंक सप्लाई में आ जाएगी, जिसको हम दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें कि दोबारा से इसको देखें कि इंक रेजरवायर से इंक हमने ली है, उसको हमने भेज दिया नोज़ल के अंदर। नोज़ल ने उसको क्या किया, ड्रॉप्स के फॉर्म में चार्जिंग इलेक्ट्रोड में भेजा है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड कुछ को चार्ज करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे ये डिफ्लेक्शन प्लेट उन्हें गटर में भेज देंगी, और बाकी के जो अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से हमें इमेज मिल जाएगा, हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कॉपी की फॉर्म में। तो वो जो गटर वाली होगी वो दोबारा से कहाँ आ जाएगी, इंक रेजरवायर में, उसको हम दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस
प्रोसेस था। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।